बेचारी बहू। सरिता की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे चार बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? वो बड़ी है ना तुझसे? माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सरिता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है, तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या, मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूं भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूँ ना, बस काम ही कर रही हूँ, और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं, बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता, तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या कहती है? सच्ची तो कहती है, मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा,
कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है, उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा, हमें सब पता है तू हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना, आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई, सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है। अगली सुबह सब लोग मौसी जी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर शादी का माहौल होता है, सब जगह चहल पहल होती है, बहुत सारे मेहमान आए हैं। सरिता को वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक है, मैं यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी, अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि वहां रोहन की कजिन साक्षी आ गई और सरिता से बोली, आप सरिता भाभी हो ना, जितना आपके बारे में सुना था आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ वो तो है, मेरी सुंदरता की तारीफ सब करते हैं। मेरे मायके में तो सब यही बोलते हैं कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मिली। लेकिन आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रोहन भैया की कजिन हूँ, आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आप मुझसे मिले नहीं कभी। शांति मौसी और मीनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा तुमने, मेरी तारीफ? कभी नहीं, मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकते, मैं इतनी अच्छी हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास ना मुझे सुनाती रहती है, और पति भी मेरी सास की साइड लेते हैं, ना कभी बाहर ले जाते हैं ना कहीं घुमाने। अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना तो उनकी बहन बीच में आ जाती है। मैं कैसे रह रही हूँ उस घर में, ये मैं ही जानती हूँ। सरिता की ये बातें सुनकर साक्षी को बड़ी हैरानी हुई। अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी। रोहन और शांति को सरिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहे। अगले दिन जब वो अपने घर पर आए, सरिता तुमने क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया, तुमसे बोला था ना कि चुप रहना। अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो, कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी कहती रहती हो। तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले, जिस घर में मेरी कदर ही नहीं उस घर में मेरा क्या काम। अरे क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर, जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती, सीधी सादी बहू मिल गई है ना सबको, तो जो जी में आए वो करो। सरिता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया, और उस दिन भी उसने सबके सामने खुद को बेचारी बना ही दिया। अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अपना नाश्ता लेने किचन में गई और पतीले में रखे गरम दूध को गिलास में डालने लगी।
दूध का पतीला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिर गया। ओए माँ, हाय मेरा हाथ, माँ मेरा हाथ जल गया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर सरिता दौड़ती हुई आई। ये क्या किया तुमने? तुम्हें नाश्ता चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं क्या मना कर देती? अब पता नहीं कितने दिन की मुसीबत पाल ली तुमने। सरिता मीनाक्षी को उसके कमरे में ले गई और उसका बहुत ख्याल रखा। उसका इस तरह से ख्याल रखना शांति और रोहन को थोड़ा अजीब लगा। माँ, सरिता के दिमाग का भी कुछ पता नहीं, कल शादी में सबको इतना कुछ बोल कर आई है हमारे बारे में, और अब मीनाक्षी की कितनी अच्छी देखभाल कर रही है, ये ऐसा क्यों करती है? बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना चाहिए।